सामान्य प्रशासन ने 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती छत्रसाल जयंती पर अवकाश घोषित किया तो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में क्षत्रिय समाज को ग्वालियर नेशनल हाईवे पर क्षत्रिय धर्मशाला की सौगात दी है। आयोजन महाराणा प्रताप और छत्रसाल जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ। यह आयोजन पूर्णतः सामाजिक देखने को मिला। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सह रहे। भाजपा और कांग्रेस के दोनों नेताओं को एक मंच पर देखकर आयोजन चर्चा में रहा, जहां प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा, डंडे झंडे और एजेंडे अलग अलग हों, लेकिन जब विकास की बात आए तो सबको एक साथ होना चाहिए। वहीं सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सह ने क्षत्रिय समाज के लोगों को धर्मशाला की बधाई दी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए नजर आए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा, धर्मशाला निर्माण में जो भी राशि लगेगी वह शासन के नियमानुसार उपलब्ध हो जाएगी। महाराणा प्रताप जी के बारे में, छत्रसाल जी के बारे में अभी सभी ने उनके चरणों में नमन किया, मैं भी कर रहा हूं। और ये दो ऐसे आप सब और हमारे पूर्वज रहे हैं कि जिनका व्यक्तित्व तो अलग है, उनके अस्त्र शस्त्रों के ऊपर भी कविताएं लिखी हैं। उनकी तलवार के, महाराजा छत्रसाल की तलवार के बारे में कहते हैं कि निकसत मयान से मयूखी प्रलय भान कैसी, और फारे तन तोम से गजंदन के जाल को, और लागत लिपट बैरी कंठिन के नागिन सी, रुद्र है रिजावे दे दे मुंडन की माल को। लाल छत्रपाल महाबाल कहानो बखान करो तेरे करबार को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काट काट, कालिकासी किलक कलेवु देत काल को। इस तरह क्षत्रिय समाज को एक सफलता मिल रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को और क्षत्रिय समाज के सभी लोगों को कि आज आपको एक विशेष उपलब्धि मिल रही है। क्षत्रिय समाज को सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये जो एक छोटा सा नन्ना सा पौधा आज रोपा गया है, आगे चल के एक वट वृक्ष बनेगा